हेलो फ्रेंड्स, हलाल एक ऐसा शब्द जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये हलाल होता क्या है? हलाल इज एन अरेबिक टर्म जिसका मतलब होता है परमिसिबल, यानी जिसे किया जा सके। वहीं हराम इसका ऑपोजिट टर्म है जिसका मतलब होता है नॉन परमिसिबल, यानी जिसे करना मना है। इस्लामिक फेथ में कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं सच एज पोर्क एंड अल्कोहल, जिसे कंज्यूम करने को कुरान ने मना किया हुआ है और कहा है ये हराम है। वहीं हलाल प्रोडक्ट्स इस्लामिक फेथ में प्योर माने जाते हैं। हमें जो हलाल टर्म पता है वो बेसिकली पता होता है मीट को कट करने के प्रोसीजर में, जहां पर कुछ प्रेयर्स कही जाती हैं। लेकिन अब ये हलाल का मुद्दा हलाल सर्टिफिकेट तक आ पहुंचा है। देश के अलग अलग जगह से हलाल का मुद्दा हमें सुनाई देने को पड़ रहा है। जैसे रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। क्यों बैन किया? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे जिसने हलाल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, यानी इट वॉज कंप्लीट फॉर्जरी। इस फ्रॉड को देखते हुए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करना पड़ा। इसी न्यूज के कंटेक्स्ट में आज हम समझेंगे हलाल क्या है, हलाल इकोनॉमी क्या होती है, और अब ये हलाल टूरिज्म भी नया आ चुका है, वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो वॉच अदर वीडियोज एक्सप्लेन्ड बाय मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज हलाल। हम शुरू करते हैं हलाल सर्टिफिकेट से। हलाल के बारे में तो मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हलाल सर्टिफिकेट, जिसे यूपी गवर्नमेंट ने अभी न्यूज में ला दिया है। बेसिकली हलाल सर्टिफिकेट्स प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं, यानी एक तरह का ये सर्टिफिकेट है फॉर दोज प्रोडक्ट्स विच आर प्योर फॉर कंज्यूमिंग फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, इट डज नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मीट, यानी ये इंडिकेट करता है कि किसी भी प्रोडक्ट में पोर्क जो है या फिर अल्कोहल नहीं है, एंड इट इज प्योर टू कंज्यूम एंड इट इज सेफ टू कंज्यूम। फाइन, इंडियन गवर्नमेंट जो है हलाल सर्टिफिकेट्स नहीं देती है। इसके लिए कुछ प्राइवेट हलाल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जैसे हलाल प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, और ये सब सर्टिफाइड है गवर्नमेंट के अंदर टू प्रोवाइड हलाल सर्टिफिकेट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने अंदर जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को रखा है, ये काउंसिल के अंदर एक्रीडिटेशन एक बोर्ड होती है, जिसके अंदर फिर ये प्राइवेट कंपनीज हलाल सर्टिफिकेट्स के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं, एंड देन दे प्रोवाइड हलाल सर्टिफिकेट टू दोज आइटम्स हु डजंट कंटेन मीट और अनदर प्रोहिबिटेड आइटम्स सच एज अल्कोहल। इंडिया में सिर्फ जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हलाल सर्टिफिकेट भी अब आपको देखने के लिए मिलने लगा होगा। जैसे हल्दीराम का नमकीन, हल्दीराम का नमकीन भी हलाल सर्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि इसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है फॉर इस्लामिक कंट्रीज, और वहाँ पर टू इंडिकेट दैट इट इज प्योर टू कंज्यूम, जो हल्दीराम ब्रांड है उसने हलाल सर्टिफिकेट ले लिया एंड इट इज़ यूजिंग इट। कॉस्मेटिक्स और फार्मा में भी अब हलाल सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक्स में भी कुछ एनिमल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं और फार्मा में भी कुछ एनिमल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनको सेफ या फिर हलाल कैटेगराइज करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, तो ये था हलाल सर्टिफिकेट के बारे में। अब पता करते हैं कि हलाल इकोनॉमी क्या है। नाउ दिस टर्म इज वेरी सेंसेशनल, हलाल इकोनॉमी। हलाल इकोनॉमी ने एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट किया है इंडिया में, जहां पर ये देखा जा रहा है कि जो इस्लामिक नेशंस है वहां पर जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने होते हैं वो कैसे हलाल सर्टिफाइड हो। तो इसने पूरा एक जो है हलाल इकोनॉमी को जन्म दिया है। सबसे पहले हलाल इकोनॉमी जो है वो इतना बड़ा टर्म नहीं था, इसकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी। शुरुआत हुई थी मीट प्रोडक्ट से, यानी जो इंडियन मीट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट्स का यूज़ किया जाने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर ऐसा टूल हो जो बहुत पावरफुल हो और वो किसी फेथ को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, तो उस टूल का यूज़ अदर चीज़ों में भी या फिर बहुत बढ़ा चढ़ा के होने लगता है।
यहां पर भी वही हुआ, हलाल सर्टिफिकेट्स को सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स तक ही नहीं रखा गया बल्कि बाकी प्रोडक्ट्स में भी एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मा, इवन फैशन, इन सारी चीजों में जो है वो हलाल सर्टिफिकेट का यूज होने लगा, यानी रूल्स को ट्वीक कर दिया गया। लोगों को ये बताने लग गए हम कि भाई हलाल क्या है और हराम क्या है, हलाल यानी इट्स गुड टू यूज, हराम यानी इट्स बैड टू यूज, एंड नाउ रूल्स आर बीइंग ट्वीक्ड एंड आर यूज्ड इन हलाल इकोनॉमी। इस्लाम फॉलोवर्स पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 1.8 बिलियन। अब आप सोचिए कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज में तो सिर्फ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही जाते हैं, लेकिन इतने इस्लाम फॉलोवर्स को टारगेट करने के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की जरूरत है, और वो हलाल इकोनॉमी उसमें ही टारगेट कर रहा है। ग्लोबल फूड मार्केट जो है वो 19% है अगर हम देखें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का। तो ये जो 1.8 बिलियन है वो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 24% है। तो इस 24% को कैटर करने के लिए और इस ग्लोबल फूड मार्केट का 19% को कवर करने के लिए हलाल इकोनॉमी का जन्म हुआ, जहां पर कॉस्मेटिक्स, वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स, इवन डेटिंग, फैशन, हॉस्पिटल्स और टूरिज्म में इस जो हलाल सर्टिफिकेशन का है उसका यूज होने लगा। कोची में यानी केरला में यहां तक हो गया है कि हलाल सर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या खास है? जैसे मेन एंड वुमेन के लिए स्विमिंग पूल्स अलग हैं, प्रेयर हॉल्स अलग हैं, यानी वैसी चीजें उन्होंने इंक्लूड कर दी जो कुरान में कहा गया है दीज आर प्योर थिंग्स या दीज आर गुड थिंग्स टू डू। हलाल को वहां पर अटैच कर दिया गया जो कि सिर्फ पहले मीट तक ही सीमित था। तो ये हो गई हलाल इकोनॉमी की बात। आप समझ रहे हैं कि 24% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसको ये इकोनॉमी टारगेट कर रही है। इसी इकोनॉमी के अंदर आ जाता है नया टर्म हलाल टूरिज्म। अब सारे इस्लामिक कंट्रीज में इस टूरिज्म, इस तरह के टूरिज्म का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, जहां पर मुस्लिम फ्रेंडली टूरिज्म को हाईलाइट किया जा रहा है। इस तरह के टूरिज्म में होता क्या है, होटल्स, स्पा, पूल्स, इन सब में वैसे फीचर्स डाले जाते हैं जो कुरान में अलाउड है। पूल्स में जैसे मेन एंड वुमेन के लिए पूल्स अलग है, स्पा में मेन एंड वुमेन्स के लिए स्पा अलग है, होटल्स में प्रेयर हॉल्स अलग हैं। तो ये सारी चीजें हलाल सर्टिफाइड कह सकते हैं या फिर हलाल टूरिज्म एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ओके, तो ये था हलाल इकोनॉमी एंड हलाल टूरिज्म के बारे में। तो इन सबकी जो एक जड़ है वो है हमारा नॉलेज ना होना। इनका सॉल्यूशन ये है कि इस इकोनॉमी को समझने के लिए, इस टूरिज्म को समझने के लिए हमारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एंड वी नीड टू एजुकेट पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स एंड विच आर नॉट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।